गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं। द अल्फ़ाबेट ऐसे इसी टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं एमसीक्यूज़ बना रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और लास्ट तक देखना। इसे नोटबुक में भी लिखना है। चलो शुरू करते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने नंबर होते हैं? 21, 26 या 24? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यानी ए टू जेड कितने नंबर होते हैं? 26। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावेल निकाल देंगे तो कितने बचेंगे? 21, यानी 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो 21, यानी कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स आफ्टर बी? बी के बाद कौन सा लेटर आता है? सी, डी या ए? ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स बिफोर एफ? ये भी आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लेटर कम्स आफ्टर टी? टी के बाद कौन सा लेटर आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स बिफोर जेड? जेड के पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद और बिफोर मीन्स होता है पहले, जेड के पहले कौन सा लेटर आता है? वाई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स आफ्टर एच? एच के बाद कौन सा लेटर आता है? ई, आई या एल? एच के बाद क्या आता है? आई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द थर्ड लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, उसमें थर्ड लेटर कौन सा होता है? फर्स्ट तो ए, सेकंड बी और थर्ड क्या होता है? सी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे फर्स्ट लेटर क्या है? ए। विच इज़ द फिफ्थ लेटर? फिफ्थ यानी पांचवा लेटर कौन सा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए, बी, सी, डी, ई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द टेंथ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टेंथ लेटर यानी 10 नंबर पर कौन सा लेटर आता है? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। जे आता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स बिटवीन डी एंड एफ? डी और एफ के बीच में यानी बिटवीन में कौन सा लेटर आता है? डी और एफ के बीच में, डी के बाद क्या आता है? ई, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर कम्स बिटवीन? बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में क्या आता है? एच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच लेटर कम्स बिटवीन एक्स एंड जेड? जेड, एक्स और जेड के बीच में कौन सा आता है? वाई, ऑप्शन ए। विच लेटर कम्स बिटवीन एम एंड ओ? एम और ओ के बीच में क्या आता है? एम एन ओ, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस नंबर को अरेंज, लेटर को अरेंज करना है। सी, बी, ए, यहाँ पे डी होगा, गलती से सी लिखा हो, यहाँ पे डी कर लेना आप लोग। ए, बी, सी, डी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द लेटर एम पी ओ एन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? एम पी ओ एन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या आता है सबसे पहले? एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द लेटर जे वाई, जेड वाई, जेड एक्स वाई डब्ल्यू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या आता है सबसे पहले? डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।